1.1 वायुमंडल में जल। पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। ये हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांत कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब ये सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांत के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने के संपर्क में आती है तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांत के नजदीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन ताप दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांत तक गिर जाए।
ई वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाएं। ई वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है, ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा तब भी संभव है जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। तुषार तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री से चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान हैं। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। कोहरा एवं कुहासा जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संति अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती हैं। ऐसी स्थिति को, जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहां ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूलकण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। बादल बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संति होता जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को चार रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। आय पक्षाभ मेघ, ई कपासी मेघ, ई स्तरी मेघ, इव वर्षा मेघ। एक पक्षाभ मेघ। पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000-12000 मीटर शून्य की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। दो कपासी मेघ। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं।
ये चपटे आधार वाले होते हैं। तीन, स्तरी मेघ। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। चार, वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संती होते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पक्षाभ, पक्षाभ स्तरी, पक्षाभ कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ। वर्षण, स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। ये द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 10 डिग्री से शून्य से कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है। यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे हैं या पिघली हुई के पानी की जमी हुई बूंदे हैं। जमाव बिंदु के बर्फ तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदे जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती हैं। कभी कभी वर्षा की बूंदे बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओलापथ कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई सिकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। वर्षा के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को तीन प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवातीय या फ्रंटल। संवहनीय वर्षा, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्रायः होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्रायः होती है। पर्वतीय वर्षा, जब संतृप्त वायु की संति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है ये फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है।
इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरी ढाल पर पहुंचती हैं, वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। ये पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा। आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं, अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखें। संसार में वर्षा वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री 30 एवं 40 अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ ये घटती जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री एवं द के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा ये पूर्व की तरफ घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर हैं, वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं ये प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है जो प्रति वर्ष 200 से 0 मीटर शून्य से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 से 0 मीटर शून्य वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 से 0 मीटर शून्य प्रतिवर्ष तक होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 से 0 मीटर शून्य से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण। इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। आई वर्षण के 3 प्रकारों के नाम लिखें। ई सापेक्ष आर्द्रता की व्याख्या कीजिए। ई ऊंचाई के साथ जलवाष्प की मात्रा तेजी से क्यों घटती है। एफ बादल कैसे बनते हैं, बादलों का वर्गीकरण कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आई विश्व के वर्षण वितरण के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ई संघनन के कौन कौन से प्रकार हैं, ओस एवं तुषार के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।